We all know that case taking is an art, and it's also said that a well-taken case is as good as half cured. Hence, it becomes very essential for us to master this art of case taking. Dr. Hahnemann has given us the instructions to be followed while taking a case in the aphorisms 83 to 104. But many of us even today do not stick to those instructions and end up blaming our system for their very own failure. Here in this preview video, we shall discuss on some of those instructions given by Dr. Hahnemann to be followed while taking a case. Aphorism 84. This aphorism instructs us not to interrupt the patient while he's either talking about himself or his complaints. However, a mild interruption may be required if the patient has drifted away to a topic which is not of any concern to us. To understand this better, let us show you with an example. आपका नाम क्या है? राहुल यादव. क्या उम्र होगी आपकी? जी 32 साल. अच्छा, क्या करते हैं आप? LIC एजेंट हूँ. अब ये बताइए कि क्या तकलीफ है आपको? पिछले 3-4 महीनों से पीठ में यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत दर्द होता है. खाना खाने के तुरंत बाद. अब आप तो जानते ही होंगे कि हमारे प्रोफेशन में कितना घूमना पड़ता है, बहुत जाना पड़ता है इधर उधर. कभी टाइम पर खाना ही नहीं होता और अक्सर बाहर का फास्ट फूड ही खा लेता हूँ. हो सकता है शायद इसीलिए हो रहा हो. अभी कल ही देखिए आप जैसे एक डॉक्टर ने 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था. 12 का 2 बज गया इंतजार करते करते और उनके तो पेशेंट खत्म ही नहीं हो रहे थे. अब क्या है ना कि हमारी कंपनी ने अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है खासकर डॉक्टर के लिए, तो वही हम सोच रहे थे कि डॉक्टरों को भी बता दें, तो गए हुए थे. सर मुझे 10 मिनट देंगे क्या? मैं आपको भी डिटेल्स बता देता हूँ. आपके बड़े काम का होगा ये. आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है. इसका प्रीमियम जो है ना वो ठीक है वो बाद में देखेंगे फिर कभी. आप अपने पेट के दर्द के बारे में बता रहे थे ना, वो बताइए. हाँ, ये यहाँ दर्द होता है. ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा हो पेट में. हाँ, यहाँ पर. दोस्तों, कॉलेज लाइफ में अक्सर ये होता है कि मेस या हॉस्टल का खाना उतना कुछ खास नहीं रहता. ऐसे में हम में से बहुत लोग ये करते थे कि सब लोग कंट्रीब्यूट करके कहीं बाहर से अच्छा खाना मंगवाते थे और मिल बांट के उस खाने का मजा भी लेते थे. ये प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है. ये तो हम सब जानते ही हैं कि अधिकतर कॉलेजेस में टीचिंग क्वालिटी कैसा है. ऐसे में जो बच्चे सच्ची लगन से पढ़ना चाहते हो वो क्या करें? होमियो मिरर एक कोशिश है आप लोगों के आपके किताबों में दी गई बातों को सरल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करना. ये जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उसमें कई आर्टिस्ट्स की मेहनत लगी है आप तक ये पहुंचाने में. इन वीडियोस को बनाने के पीछे पैसा खर्च होता है. इस प्रोजेक्ट से हमारा इंटेंशन पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को आप लोगों के साथ बांट रहे हैं. इसलिए हमने सिर्फ एक दिन में 3 रुपए का कॉन्सेप्ट रखा था. अगर हमें पैसे ही कमाने होते तो इसे हम बाकी कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरह लॉन्च करते और तब शायद सब्सक्रिप्शन भी कुछ उतना ही होता जितना आजकल के कमर्शियल टीचर्स चार्ज करते हैं. हमारी इस कोशिश को अगर कोई मनी मेकिंग प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोडक्ट अगर कहता है तो वो हमारी इस कोशिश को गहरी चोट पहुंचाता है. ये हमारे तरफ से एक सिंसियर अटेम्प्ट है सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कुछ करने का. हम उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमारे पेड ग्रुप को सब्सक्राइब किया, जिनको लगता है कि उन्हें भी आगे आना चाहिए हमारा साथ देने के लिए. हमसे जरूर संपर्क करें.